फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको दिखाएंगे क्रोशिया का क्रिसमस डे। ये सेंटर के सामने वाली पार्क है। सेंटर में आते हैं और उसके बाद आने के बाद बिल्कुल सामने जो गली जाती है वही वाली पार्क है। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ रहे थे और आप सभी एंजॉय करो इसका। इस पार्क को एंजॉय करने के बाद हम आगे जाएंगे कोलवा डोर की तरफ। वहाँ पे आई थिंक स्केटिंग होती है और आपको दिखाएंगे कि आगे क्या चलेगा। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया है क्रिसमस के उस पर, तो आप सब इन्जॉय करो। जो ये वाली पार्क है यहाँ पे बच्चे स्केटिंग करते हैं। इसके अंदर स्नो होती है, आर्टिफिशियल स्नो, इसमें स्केटिंग करते हैं। अभी आई थिंक थोड़ी देर में आएंगे, पता नहीं आए हैं या चले गए।
सब इंजॉय करने के बाद हम फाइनली आ गए थे ट्राम स्टेशन पे, जो ये सामने आप देख रहे हो कलवर डोर है। यहाँ से हमने ट्राम पकड़ी और अपने रूम के लिए रवाना हुआ। सच बताऊं फ्रेंड्स, आज सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डेकोरेटिव था। क्रोशिया को बहुत अच्छे से सजाया गया था क्रिसमस के फेस्टिवल पे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और अब हम जा रहे हैं ट्राम पकड़ के घर, और ये हमारा जो है सेंटर वाला मोड है। और अब देखो, थोड़ा इन्जॉय करो।